हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूराइट पर। मैं निखिल सिंह आपके लिए लेकर के आया हूँ गणित की एक सीरीज़, जिसमें आज हम आवयवी के कुछ सवालों को हल करेंगे। ये सवाल भाग एक के सूत्रों पर आधारित हैं। हमारे भाग एक की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सवाल। हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। दिए गए प्रश्न में आवयवी की कोटि, अवयवों की संख्या और कुछ अवयव ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम आवयव की कोटि निकालते हैं। हम जानते हैं कि आवयव की कोटि बराबर पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या होती है, और दिए गए अवयव में पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 4 है, तो आवयव की कोटि 3 × 4 होगी। हमारे प्रश्न का भाग दूसरा है कि अवयवों की संख्या क्या है। हम जानते हैं कि किसी अवयव में अवयवों की संख्या पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या होती है। पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 4 है, इसलिए अवयव के कुल अवयवों की संख्या 3 × 4 = 12 हो जाएगी। प्रश्न का तीसरा भाग है कुछ अवयव निकालने हैं, अवयव के मान निकालने हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं हम A13। A13 का मतलब है कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में अवयव का जो मान है वह 19 है। इसी प्रकार हम अवयव को देखेंगे और सभी अवयवों के मान को निकालेंगे। जैसे दूसरा है A21, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में जो मान है वो 35 है। हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि किसी अवयव में अवयवों की संख्या 24 है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो वही कोटियाँ संभव हैं जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणनफल 24 के बराबर हो जाए। आपकी स्क्रीन पर सारणी दी गई है जिसमें अवयव की समस्त कोटियाँ दी गई हैं। जिस कोटियाँ हैं 1 × 24, 2 × 12। अवयव की समस्त संभव कोटियाँ सारणी में दी गई हैं। सारणी को देखने पर पता चलता है कि हमारे पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणनफल 24 ही आ रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि हमें एक 2 × 2 कोटि के अवयव का निर्माण करना है, जिसमें अवयव के प्रत्येक अवयव का सूत्र दिया गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि अवयव की कोटि 2 × 2 है, इसलिए आई और जे के संभव मान 1 और 2 हो सकते हैं। अब हम अवयव को निकालेंगे। तो सर्वप्रथम हम A11 को निकालते हैं। A11 को निकालने के लिए आई का मान 1 तथा जे का मान 1 सूत्र में रखते हैं, और सूत्र में रखने के पश्चात हमें A11 का मान 2 प्राप्त होता है। फिर A12 निकालते हैं। A12 निकालने के लिए हम आई का मान 1 तथा जे का मान 2 रखते हैं, तो हमें जो प्राप्त होता है वो है 9/2। इसी प्रकार A21 निकालते हैं और फिर A22 निकालते हैं, जिनके मान क्रमशः 9/2 और 8 हैं। इन सभी मानों को हम सारणिक में रखते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त हमारी सारणिक है 2, 9/2, 9/2 और 8। हमारे आज के वीडियो का अंतिम और चौथा सवाल, जिसमें 2 खंड दिए गए हैं। दोनों खंडों में हमें अवयव के रूप में 2 समीकरण दिए गए हैं, जिनमें से एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। सर्वप्रथम हम खंड 1 को हल करते हैं। इसमें दोनों अवयवों के बीच में बराबर का निशान लगा है, जिसका मतलब यह है कि ये दोनों अवयव समान अवयव हैं। मतलब इन दोनों अवयव के प्रत्येक अवयव संगत अवयव बराबर हैं एक दूसरे के। पहले अवयव का A11 दूसरे अवयव के A11 से बराबर है। इसी प्रकार सारे अवयव एक दूसरे से बराबर हैं। तो हम यहाँ से एक्स, वाई और जेड के मान निकाल सकते हैं। एक्स का मान होगा 1, वाई का मान होगा 4 और जेड का मान होगा 3। अब हम खंड 2 को हल करेंगे। खंड 2 भी उसी प्रकार से दिया गया है। इसमें दोनों अवयव समान अवयव हैं और दोनों अवयव के संगत अवयव को हम बराबर करके एक समीकरण के रूप में लिख लेंगे, जिससे हमें 3 समीकरण प्राप्त होंगे। समीकरण 1 जो है x+y = 6, समीकरण 2 xy = 8, और समीकरण 3 5+z = 5। और इन तीनों समीकरणों को हल करने पर हमें जो मान प्राप्त होते हैं वह इस प्रकार है कि यदि x = 4 है तो y = 2 होगा, और यदि x = 2 है तो y = 4 होगा, और दोनों ही स्थितियों में जो जेड का मान होगा वह 0 होगा।
इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आप आवयु के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।